लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सूर्यदेव सिंह कोहिनूर को यहाँ से सीएम के दफ्तर में लेके गया। सूर्यदेव सिंह ने अपने हाथों से उसे वहाँ तिजोरी में रखा और सूर्यदेव सिंह के ही पास उस तिजोरी की चाबी थी। तो जाहिर है कि अगर उस तिजोरी से नकली कोहिनूर निकला है तो असली सूर्यदेव सिंह के ही पास है। और आप सीबीआई ऑफिसर मिस्टर जतिन कुमार चोर को पकड़ने की बजाय मेरे हीरे जवाहरात सील करने आए। जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कोहिनूर की जमानत देने से इनकार कर दिया तब आपने अपने अनमोल हीरे जवाहरात को जमानत के तौर पर रखकर कोहिनूर इंडिया मंगवाया। लेकिन अब जब तक कोहिनूर ब्रिटिश सरकार के पास सही सलामत नहीं पहुंचता उसकी जमानत की हिफाजत करना मेरा पहला फर्ज है। लगता है आप भारत सरकार के नहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के सीक्रेट एजेंट हैं। आर यू फ्रॉम द सीबीआई और द स्कॉटलैंड यार्ड? ये रही मेरी तमाम दौलत, कीजिए आपको जो करना है। मिस्टर विनय कुमार, इसीलिए मैं आपके म्यूजियम का मुआयना करना चाहता था क्योंकि मैं जानता हूं कि आज का जमाना किस तरह खराब और खुदगर्ज होता जा रहा है। देश की इज्जत भाड़ में जाए तो जाए, उससे आपको क्या? आपने तो अपनी दौलत पार करके अपनी गर्दन बचा ली। वेरी स्मार्ट। मेरी जिंदगी भर की कमाई, मेरी जिंदगी भर की दौलत गायब हो गई और तुम मुझे ही चोर साबित करना चाहते हो? काम डाउन। काम डाउन कौन है? हाँ बोलो। सूर्य, सूर्य, तुम मुझे क्यों सुनाना चाहते हो कि तुमने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया है? मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं कि तुमने अपने बाप का इंतकाम लेने के लिए मेरी ये कब्र खोदी है। यू क्रूक। गिव मी द फोन। कट गया है। सूर्यदेव सिंह ही विलेन है। हेलो हेलो, जतिन कुमार हियर, एजेंट जतिन कुमार, 6494949। अभी भी जो यहां कॉल आया था उसे इमीडिएटली ट्रेस करो। बी क्विक अबाउट इट। बात समझो ऑफिसर, सूर्यदेव सिंह मुझसे अपने पिता का इंतकाम लेना चाहता है क्योंकि उसके पिता ने आज से 27 साल पहले मुझे झूठी साबित करने की कोशिश की थी और खुद बेनकाब हो गया। अपनी उस हार को वो आज तक नहीं भूला है और अब मुझे बर्बाद करने के लिए उसने अपने बेटे के साथ मिलकर ये सारी साजिश की है। रस्तिम। हाँ बोलो। क्यों भाई लोग यहाँ इस तरह क्यों खड़े हो? वही नंबर है। ये है सीबीआई ऑफिसर जतिन कुमार जो कोहिनूर के चोर की तलाश में है और मैं बदनसीब विनय कुमार। साहब, कोहिनूर का चोर सूर्यदेव सिंह अभी भी यहाँ था, फोन करके इसी दिशा में जीप में भागे। राश ऑफिसर, इससे पहले कि वो हमारी पकड़ से दूर हो जाए हमें उसे पकड़ना होगा। डोंट लीव हिम ऑफिसर। कहां ले गए? किसके लिए काम करते हो तुम लोग? आ,
थैंक यू रॉकी। हेलो, कैसे हो सब लोग? सब ठीक है? वेरी गुड, कीप इट अप, कीप इट अप। एंड यू गर्ल्स, जतिन कुमार की आंखों में धूल झोंकना मुबारक हो प्रिंस अमर। अरे सीबीआई ऑफिसर जतिन कुमार तो क्या, प्रिंस अमर वो मास्टर ब्रेन है जो सारे जहां को उंगलियों पर नचा सकता है। क्वीन ऑफ इंग्लैंड के ताज से कोहिनूर को उतरवाकर उसे नुमाइश के लिए इंडिया लाना और फिर म्यूजियम में उसकी जगह उसका एक नकली डबल रखकर असली को सबसे पहले उड़ा ले जाना। मास्टर ब्रेन प्रिंस, ये रहे म्यूजियम के तमाम मेरे जवाहरात। क्या बात है, कोहिनूर भी हमारे पास है और कोहिनूर की जमानत भी हमारे पास है। आप दुनिया के नंबर वन चोर दीदार प्रिंस अमर। वाकई तुम दुनिया के नंबर वन चोर हो। सूर्यदेव से यहाँ? हाँ, मैं यहाँ इंक्वायरी कमीशन के ऑफिस से लेकर यहाँ तक खुफिया तौर पर मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। सीबीआई की आंखों में तो धूल झोंक दी तुमने, लेकिन सूर्य देव सिंह तुम्हारा वारंट लेकर आ गया है। वारंट वारंट कुछ नहीं, तेरा अंतकाल तुझे यहां लेके आया है। देख 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 किस तरह मेरे आदमी पलक झपकते ही मेरे लिए जान दे सकते हैं, और ऐसे सैकड़ों हैं इस जजीरे के चप्पे चप्पे पे मेरे वफादार गनमैन मौजूद हैं। कानून सूर्यदेव सिंह को शक की निगाह से देख रहा है, मगर हालात किसी और की तरफ उंगली उठा रहे हैं। कानूनी तौर पे तो हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन उनकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है। हम सब किसी गहरी साजिश के शिकार है जिसे हमें किसी भी हालत में तोड़ना है। इसलिए मैंने सूर्यदेव सिंह को एक माइक्रो ट्रांसमीटर दे दिया है जिसका सिग्नल हमें इस रिसीवर पर मिलता रहेगा, और जब भी सूर्यदेव सिंह को हमारी जरूरत पड़ेगी तो इस पर अलार्म बज उठेगा। सिंपल। देने पड़ेंगे प्रिंस? जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट मैंने दी है उसके मुताबिक इतने ही सुपर शॉक्स काफी है। जरूरत पड़ी तो एक और सेशन दे देंगे, और ये हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा कि एक ईमानदार पुलिस अफसर है, और सिर्फ यही याद रखेगा कि ये दुनिया का नंबर एक जूल थीफ है। प्रिंस धर्म। रॉकी, प्रिंस अमर, विनय कुमार ने नीचे खुदकशी करने की कोशिश की है। क्या? हाँ जी। गर्ल्स यू स्टे हियर। यू स्कंक्स, तुम लोगों के होते हुए से खुदकुशी का सामान कहां से मिल गया? काम की खाते हुए हराम की, हराम की ये नहीं तू खाता है बेवकूफिये। दुनिया भर को धोखा देने वाले जालसाज, तूने मुझे, विनय कुमार को, हिंदुस्तान के नंबर वन डायमंड मर्चेंट को अगवा करके कैद कर रखा है, और तू मेरे रूप में न जाने क्या क्या नाटक, क्या क्या साजिश रचे जा रहा है। मुझसे अब तुम्हारी कैद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तुझसे मेरी कैद बर्दाश्त नहीं होती तो आजाद भी हो जाना, लेकिन तो कैद भी मेरी मर्जी से हुआ था और आजाद भी मेरी मर्जी से होगा, समझे? भगवान ने मुझे तेरी शक्ल दी और मैंने तेरी आवाज, तेरा स्टाइल, तेरी अदाएं ऐसे अपना ली जैसे मैं ही विनय कुमार हूं। और अगर तू मर गया होता तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होती। तू लाख होशियार और चलाक क्यों ना हो अमर, लेकिन हर काली रात की तरह बहुत जल्द तेरा भी अंत होगा और मैं तुम्हारा अंत करूंगा। आगे एक पैलेस है, बहुत बड़ा, वेरी हैवीली गार्डेड। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर पहुंचे कैसे। सूर्यदेव सिंह वहीं पर है। कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम?
मैं बैंगलोर की मशहूर डांसर रूबी हूँ। वहाँ क्यों जा रही हो? जंजीरा पैलेस में होने वाले किसी जलसे में मुझे नाचने के लिए बुलाया है। क्या तुम पहले वहाँ, मेरा मतलब है तुम्हें वहाँ कोई जानता है? जी नहीं। गुड, तुम्हारा प्रोग्राम चेंज। कीप एन आई ऑन हर, कीप एन आई। ओके, कम आउट फास्ट। ये मोबाइल तुम्हारे पास रखो, तुम अंदर जा रही हो एज रूबी डांसर। अंदर जो भी खबरें मिले मुझे इस पर इंफॉर्मेशन पास करते रहो। ओके, ऑल द बेस्ट। सुनी, बी केयरफुल। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या हो गया मुझे? हेलो, आप बता सकते हैं मैं कौन हूँ? आप सब जानते हैं मैं कौन हूँ? यू आर द जूल थीफ। शर्म, कोहिनूर की चोरी के दौरान आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, मगर आपका काबिल डॉक्टर ने आपको फिर से ठीक कर दिया। प्रिंस धरम, मैं ठीक हो गया। मुझे, आप कौन हैं? योर राइट हैंड मैन। आप लोगों की वजह से मैं ठीक हो गया। मैं प्रिंस धरम। आपके खतरे से वापस आने की खुशी में एक जश्न मनाया जाएगा। फेमस डांसर रूबी आपके लिए नाचेगी। गर्ल्स, लेट्स सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द जूल थीफ। अभी आगे आगे देखिए, आ गया है डाकू। क्या बात है यार, मैं कितने आ गया यार है? ये सब कुछ आपका है प्रिंस धरम। है मेरा? ये पैलेस भी आपका है, ये हसीनाएं भी आपकी हैं, हम भी आपके हैं। अरे जी चाहता है आपकी पप्पी ले लूं। आप सारे जहान के मालिक हैं। आपने कोहिनूर चुराया है और उसकी नीलामी के फौरन बाद आप दुनिया के सबसे जबरदस्त टॉप आदमी कहलाओगे। कितनी मुश्किलों से मैंने कोहिनूर चुराया है। मेरा कोहिनूर हिफाजत में तो है ना? बिल्कुल महफूज है। घंटे भर में दुनिया भर के टॉप स्मगलर्स यहाँ इकट्ठे होंगे। सारी रात जश्न कोहिनूर होगा और उसके बाद सूरज की पहली किरण के साथ ही कोहिनूर इस आलीशान महल के किसी एक कोने में से जलवा फरोज होगा। उसके बाद ही उसकी नीलामी होगी। है? I'm waiting for that moment, मैं सुल्ताना डाकू हूँ। हेलो जॉनी, सूर्यदेव और विनय कुमार आपस में मिले हुए हैं। What? और दोनों इंटरनेशनल स्मगलर्स को कोहिनूर नीलाम कर रहे हैं। I don't believe it. मिस्टर विनय कुमार, पहनो ये कपड़े और तैयार हो जा, और समझो कि तुम्हारी आजादी की घड़ी आ गई है। Congratulations, Prince Amar. तुम्हारी जिंदगी का सबसे हसीन सपना पूरा हुआ चाहता है। विनय कुमार तुम्हारी कैद में है। सूर्यदेव ब्रेन वॉश हो चुका है और अपने आप को दुनिया का नंबर वन जूल थीफ प्रिंस धरम समझता है। स्विस बैंक के अकाउंट में तुम्हारे हजारों लाखों जमा हो चुके हैं और कुछ और हजारों करोड़ कोहिनूर की नीलामी के बाद जमा हो जाएंगे। और फिर विनय कुमार ब्लास्ट हो जाएगा, सूर्यदेव ब्लास्ट हो जाएगा और दुनिया यही समझेगी कि ये दोनों कोहिनूर की नीलामी करते हुए ब्लास्ट हो गए। और फिर मैं ड्रामा करूंगा कि मैं विनय कुमार हूं और जो मारा गया वो प्रिंस अमर था। और इस तमाम धूमधड़ाके में सब भूल जाएंगे कि कोहिनूर कहां गायब हो गया, जबकि कोहिनूर भी मेरी जेब में होगा, विनय कुमार की तमाम दौलत भी मेरी जेब में। What do you say to that, प्रिंस अमर? You are the greatest jewel thief, the ultimate jewel thief, the jewel thief. देखिए कोहिनूर और उसका मजा लीजिए। ये रहा वो अनमोल कोहिनूर, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसका मोल लगाने आप सब लोग यहाँ आए हैं। नीलामी शुरू, लगाइए ऊंची से ऊंची बोली। कोहिनूर नीलाम नहीं होगा जूल थीफ, ये जिसकी अमानत है उसी के पास जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो प्रिंस धरम?
कोहिनूर तो तुमने नीलामी के लिए ही चुराया था। नो मोर डर्टी ट्रिक्स, मुझे प्रिंस धर्म बनाने वाले भी तुम हो और कोहिनूर की नीलामी की साजिश भी तुम्हारी है। बिजली के झटके देकर तुमने मुझे प्रिंस धर्म बनाने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। मैं कोहिनूर का चोर प्रिंस धर्म नहीं बल्कि इसका मुहाफिज सूर्य देव सिंह हूं। मगर तुम्हारा यहां से बाहर जाना नामुमकिन है मिस्टर तफी। मेरे गनमैन चप्पे चप्पे पे मौजूद हैं। जिस चप्पे चप्पे पे तूने अपने गनमैन मौजूद रखे हैं उसी चप्पे चप्पे पे मैंने सुरंग बिछा दी है। प्रिंस अमर कमान मूव। यू आर टफ। हेलीकॉप्टर नहीं प्रिंस अमर, पुलिस स्टेशन कोहिनूर के साथ। हम तुम्हें ब्लास्ट कर देंगे सूर्यदेव सिंह। ड्राइवर चढ़ा दो पुलिस कमिश्नर के ऊपर से गाड़ी। आप लोग कौन हैं? हम सीबीआई के आदमी हैं। आपको छुड़ाने आए हैं। वो अमर मुझे ये कपड़े पहनने को दे गया और कह रहा था मुझे आजाद कर दे। आई विल किल दैट क्रूक। तुझे छोड़ूंगा नहीं अमर। अभी मेरे हाथों तेरी मौत है। उस काउंटर अमर ने अब इसकी जान ले ली। तुम ठीक तो हो? यही है
यही यही मेरा डबल है प्रिंस समर, पकड़ लीजिए इसे, अरेस्ट हिम। यहाँ बैठे क्या देख रहे हैं? भागने मत दीजिएगा इसे, यही वो भैरूपी अमर है। भैरूपी अमर मैं नहीं, भैरूपी अमर तुम हो, तुम। मैं विनय हूँ, विनय, विनय कुमार। वाह बेटा, मिस्टर विनय कुमार को अमर बना दिया। अमर ये है, अरेस्ट हिम। जिसके पास कोहिनूर होगा वही प्रिंस अमर। ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की सीबीआई मैन, तो ये रिवॉल्वर और तुम्हारी ये हूर। कम, ए, डोंट मूव। आहा, गोली चलेगी। बाय बाय सीबीआई, बाय। कम मधु, चौकी सुरेंद्र, जल्दी से अस्पताल ले जाओ। ओके, मैं देखा टिकट। पायलट, हेलीकॉप्टर एकदम तैयार रहना चाहिए। मैंने कहा था ना, हेलीकॉप्टर नहीं, पुलिस स्टेशन। हीरे के साथ वो है नू, मेरी मुट्ठी में है और ये मुट्ठी नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, खुलेगी नहीं, नहीं खुलेगी, खुलेगी नहीं, तो हाथ काट के जाएगा। मैं ही हूं असली विनय कुमार और मेरे ही हाथों इस भैरूपीय इम्पोस्टर की मौत होनी चाहिए। All is well that ends well. Come on, let's go.